दोस्तों बिग बॉस ओटीटी के घर से बीती रात को फुकरा इंसान घर से बेघर हो गए थे। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। हालांकि चिंता करने की कोई बात नहीं है, फुकरा इंसान को कुछ ही घंटों के लिए घर से बाहर भेजा गया था। दरअसल दोस्तों बीती रात को फुकरा इंसान की तबीयत जो है वो हद से ज़्यादा ख़राब हो गई थी, जिसकी वजह से फुकरा इंसान को यहाँ पर काफ़ी उल्टियाँ भी हुई थी और उनका पेट भी बुरी तरीके से ख़राब हो गया। और हिम्मत इतनी ज़्यादा टूट चुकी थी कि उनसे ठीक तरीके से अकेले के दम पर खड़ा भी नहीं होया जा रहा था, उनको किसी न किसी की सहारे की ज़रूरत पड़ रही थी। ऐसे में दोस्तों पहले तो बिग बॉस ने उनको मेडिकल रूम में बुलाया था और जहाँ पर पहले प्राथमिक उपचार के बाद में उनको वापस घर के अंदर भेज दिया गया और आराम करने की सलाह दी गई थी, जिसके बाद में फुकरा इंसान को मनीषा रानी और एल्विस यादव जो है वो काफ़ी देर तक मसाज करते हुए दिखाई दिए थे। लेकिन दोस्तों रात को अचानक से तबीयत काफ़ी ज़्यादा बिगड़ गई थी, फुकरा इंसान को हद से ज़्यादा ठंड लग रही थी। यहाँ पर मनीषा रानी, बेबिका और एल्विस भाई ने मिलकर फुकरा इंसान के ऊपर तीन तीन ब्लैंकेट डाल दी थी, यानी कि तीन तीन जो रजाइयाँ हैं वो ओढ़ा दी थी। लेकिन इसके बावजूद फुकरा इंसान को काफ़ी सर्दी लग रही थी, जिसके बाद दोस्तों उनकी हालत को देखते हुए बिग बॉस ने आधी रात को समय उनको घर के बाहर मेडिकल जांच के लिए भेजा गया था। इस दौरान मनीषा रानी ने आकर बताया कि तुझे थोड़ी देर के लिए बाहर भेजेंगे, चिट्ठी आई है तेरे लिए। जिसके बाद दोस्तों यहां पर बेबी का और जो मनीषा रानी है वो दोनों फुकरा इंसान को उठाती है और फुकरा इंसान को मेडिकल रूम के जरिए घर के बाहर भेजती है। हालांकि दोस्तों बीती रात को ही काफ़ी देर के बाद में फुकरा इंसान घर के अंदर आ चुके थे। केवल उनके कुछ टेस्ट थे जो कि घर के अंदर पॉसिबल नहीं थे, क्योंकि दोस्तों घर के अंदर सारी सुविधाएं मौजूद नहीं होती है। डॉक्टर ही आकर केवल नॉर्मल जो चेकअप होता है वो कर सकते हैं, लेकिन जो टेस्ट वगैरह होते हैं उनके लिए घर के कंटेस्टेंट को घर के बाहर जाना होता है। ऐसे में फुकरा इंसान को मेडिकल टेस्ट के लिए यहाँ पर रात को घर के बाहर भेजा गया था। उम्मीद करते हैं कि फुकरा इंसान की तबीयत आज पूरी तरीके से ठीक हो जाए और एक बार वो फिर से पुराने अंदाज में फैंस को एंटरटेन करें। फिलहाल आपका क्या कहना है इस खबर पर, अपनी राय हमें कमेंट में बताएं। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए ताकि बिग बॉस की हर खबर आप तक पहुंचे सबसे पहले।